अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इसके आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस हमारे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहता है इसको हम जो है बाद में देखते हैं। तो पहले जस्ट हम ये बात में रखते हैं कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जैसे कि हमें पता है कि क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये भी बात की थी कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी में चेंज है ये प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो अगर टेम्परेचर हमारा सेम होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। लिहाजा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ड्यूरिंग द प्रोसेस इट विल बी जीरो अगर उसका टेम्परेचर जो है वो तब्दील नहीं हो रहा। लिहाजा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है अपने इस इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वो जीरो होगी तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन को हम दो तरह से जो है वो लिख सकते हैं, यानी हम ये भी इसको इस तरह लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और उसको क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू भी लिखा जा सकता है। तो इसमें ये चीज़ गौरतलब है कि जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है, और जब हम इसको इस तरह लिखते हैं इस फॉर्म में तो इसमें वर्क हमारा जो नेगेटिव है लेकिन हीट जो है वो हमारी पॉजिटिव है। यानी ये जो हमारे पास प्रोसेस है ये वाला, इसमें क्या होगा कि हमारे सिस्टम पर जो है पॉजिटिव वर्क होगा, और जब सिस्टम पर पॉजिटिव वर्क होगा तो उसमें से जो हीट क्यू है केवलन टू वर्क, क्योंकि वर्क भी एनर्जी है क्यू जो है वो भी एनर्जी है, तो जितना वर्क होगा उतनी वर्क होने से जितनी उसकी हीट एनर्जी में इजाफा होना था वो सिस्टम को लीव कर जाएगा। और अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं तो इसमें है नेगेटिव वर्क। तो अब नेगेटिव वर्क उस वक्त होता है जब सिस्टम जो है वो जैसे कि हमने पढ़ा है कि वो एक्सपेंड करता है। जब सिस्टम जो है वो एक्सपेंड करता है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसकी में कमी आती है, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये इतनी अमाउंट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा जिसकी वजह से हमारी हीट जो है वो पॉजिटिव होगी। तो इस तरह पॉजिटिव वर्क करने से जितना उसका टेम्परेचर बढ़ना था उसके इक्विवेलेंट जो हीट है वो सिस्टम को लीव कर जाती है, और जब गैस जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो एक्सपेंड करता है तो उससे जितनी उसकी एनर्जी में कमी आनी थी उतनी जो हीट है वो उसमें दाखिल हो जाती है। इस तरह हमारे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो डायग्राम बना के देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की है कि ये जो इक्वेशन है इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, यानी एक हमारे पास है डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू, तो इसमें अगर हम इस तरह लिखे कि ये फर्ज करें हमारे पास जो सिलेंडर था और ये साइडों से जो है वो इंसुलेटेड है और लेकिन इसकी जो बेस है वो कंडक्टिंग है, ये हमारे पास जो पिस्टन है जो कि मूव कर सकता है, चूंकि इसका वर्क जीरो नहीं है इसलिए ये पिस्टन जो होगा ये मूवेबल होगा। तो अब अगर हमारा वर्क जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो सराउंडिंग्स हैं वो हमारे सिस्टम के ऊपर जो एक्ट कर रही हैं, इसलिए जब सराउंडिंग्स जो है वो सिस्टम के ऊपर एक्ट करेंगी तो हमारा पिस्टन अपनी जगह को चेंज करके लेट्स सपोज कि वो यहाँ पे आ जाता है, तो इस तरह वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि इतनी जो है इसके इक्विवेलेंट वॉल्यूम में चेंज आएगी। और अब इसमें कंप्रेशन के दौरान जो हीट उसमें जो टेम्परेचर बढ़ना था वो जो था वो यहाँ से लीव आउट कर जाएगा। तो इस तरह हमारे वर्क के इक्विवेलेंट जो हीट है वो लीव आउट कर जाएगी और हमारे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। इसी तरह जो है वो हम जो हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये थी कि उसमें क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू जो इस इक्वेशन से आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्ज कर लें कि ये हमारा जो है वो सिलेंडर है
और इसकी जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटेड हैं और बेस उसकी कनेक्टिंग है, और इसी तरह जो उसका पिस्टन है वो मूवेबल है क्योंकि वर्क जो है वो जीरो नहीं है। तो अब वर्क नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम जो है वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा पिस्टन जो है वो अपवर्ड जो है मूव करेगा। तो चूंकि उसने अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए उसको मूव करवाना है, लिहाजा उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा। तो उस टेम्परेचर की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से जो हीट है वो उसके अंदर दाखिल होगी, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इस तरह जो है वो ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है। तो अब हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की। अब ये बहुत क्लियर है कि अगर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि उसकी वॉल्यूम में चेंज जो है इट विल बी जीरो, और अगर वॉल्यूम में चेंज जीरो होगी तो अगर हम उसका वर्क निकालें तो वर्क होता है पी डेल वी इक्वल्स टू डब्ल्यू, और वर्क जो है वो हमारा जीरो आएगा। तो इससे मुराद ये होगी जब हमारा ड्यूरिंग द प्रोसेस जो है वो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा होगा तो जितनी भी हीट जो है वो सप्लाई करेंगे वो उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफे का सबब बनेंगी। यानी अगर हम गौर करें तो दोनों टर्म्स जो हैं पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे सिस्टम में हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो वो दाखिल हो रही है तो हमारा जो है वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, और अगर ये दोनों टर्म्स लेट्स सपोज के नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे सिस्टम से हीट जो है वो लीव कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी डिक्रीज होगी। तो जब हमारी हीट पॉजिटिव होगी तो जो इंटरनल एनर्जी है वो भी पॉजिटिव होगी, उसमें भी इजाफा होगा। अगर हमारा सिस्टम को एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट लीव करेगी तो जो इंटरनल एनर्जी होगी वो भी कम होगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो है उसको हम देख सकते हैं। तो अगली जो एप्लीकेशन है वो हमारी साइक्लिक प्रोसेस ही है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है उसको हम ग्राफ की मदद से देखते हैं कि अगर हम यहाँ से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं और वो सिस्टम दोबारा अपनी उसी स्टेट पर वापस आ जाता है, यानी ए से स्टार्ट हो और ए पर वापस आ जाओ, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है उसमें एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो हुआ है। अब चूंकि जिस स्टेट पर सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है उसी स्टेट पर जो है वो खत्म होता है, लिहाजा उसकी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो जीरो होगी। तो जब हम इसको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखते हैं तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आता है। लेकिन जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें कई प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम जो है अभी यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे तीन जो है वो प्रोसेस शो किए हुए हैं। एक को हमने शो किया है हमारी जो लाइन है ए बी से। अब यहाँ पे देखें कि ए पर प्रेशर हमारे पास जो है वो पी ए है, बी पर जो प्रेशर है वो पी बी है, लेकिन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो वॉल्यूम है हमारा सी है सेम है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ए बी प्रोसेस है ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का है, यानी इस प्रोसेस के दौरान जो है वो वॉल्यूम में चेंज नहीं आती। तो अब अगर इसमें जैसे कि यहाँ पे इस स्पेशल सिचुएशन में दिखाया गया है कि हमारे सिस्टम को जो क्यू वन हीट जो है वो लीव कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो इंटरनल एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो रही है, अगर उसको सिस्टम को जो हीट जो है वो लीव कर रही है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि अगर क्यू पॉजिटिव होगा, क्यू दाखिल हो रही होगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और क्यू लीव कर रही होगी तो इंटरनल एनर्जी जो है उसकी डिक्रीज होगी। तो अब हम इस प्रोसेस की बात करते हैं जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। पॉइंट बी पर भी प्रेशर वही है और पॉइंट सी पर भी प्रेशर वही है, लेकिन उसमें जो है वो चेंज आ रही है वॉल्यूम में। तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, यानी जो वी सी है इसकी वैल्यू ज़्यादा है वी बी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंशन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो गैस है वो सराउंडिंग पे वर्क कर रही है, और ये जो वर्क होता है ये नेगेटिव होता है। तो इसलिए जो हमारा ये बी सी कर्व के नीचे जो वर्क होगा इट विल बी अ नेगेटिव वर्क। तो अब हम बात करते हैं सी पे। सी से जब हम जो है वो ए की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो सी पे वॉल्यूम है वो ज़्यादा है और जो ए पर वॉल्यूम है
वो कम है, यानी जो फाइनल वॉल्यूम है वो हमारा कम है। तो इसका मतलब फिर ये है कि गैस हमारी जो है वो कंप्रेस हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो सराउंडिंग्स हैं वो हमारे सिस्टम के ऊपर जो है वो वर्क जो है वो कर रही है। तो इस तरह हम जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। और जो नेटवर्क है उसका वो हम जो भी एरिया हमारी जो कर्व्स एनक्लोज करेंगे उससे जो है वो हम निकाल सकते हैं।